हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माय नेम इज रोहित मारवा योर इंग्लिश एडुकेटर वी हैव लॉन्च द फिफ्थ एडिशन ऑफ एसएससी इंग्लिश पिनेकल बुक हंड्रेड प्लस टीसीएस्यू यू विल गेट इन दिस बुक यू कैन फाइंड और परचेज दिस बुक फ्रॉम द मार्केट ओके स्टूडेंट्स कंप्लीट जितने भी आज तक एस में क्वेश्चन आए सेवन प्लस क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर में आए इस बुक में आपको अवेलेबल हो जाएंगे एंड वन मोर गुड न्यूज फॉर यू स्टूडेंट वी हैव ऑल्सो लॉन्च द वीडियो कोर्स वीडियो कोर्स ऑफ दिस बुक कंप्लीट सेवन सिक्स हंड्रेड प्लस क्वेश्चन इन दिसर्स ओके जिन भी स्टूडेंट्स को अब तक बुक देखकर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है एक दो परसेंट ठीक है दिस वीडियो कोर्स विल रिमेन वेरी हेल्पफुल फॉर दैम ओके यू कैन रिकमेंड दिस वीडियो कोर्स टूर फ्रेंड स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड थाउजेंड प्लस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे पहले थे इसमें कॉमन एरर के क्वेश्चन वो हमने करे कंप्लीट अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं कि आपको अंडरलाइन दी जाती है और कहते हैं इसे इंप्रूव करो कि ये ठीक है या नो no इंप्रूवमेंट पे जाए ठीक है तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है तो पहले आपको वीडियो पोस्ट करके खुद से करना है फिर आपको वीडियो देखनी है ओके okay, स्टूडेंट्स और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझना है कि लिखा क्या हुआ अपनी मदर टंग में इसकी मीनिंग निकालना है हिंदी करनी है बस अपने मन में ठीक है जो भी आपकी मदर टंग है तमिल है तेलुगु है जो भी आपको समझ लेना है फिर आपको कोई नाउन प्रोनाउन का एरर देख ओके स्टूडेंट्स सबसे पहले समझो रीडिंग स्किल लगाओ कि क्या लिखा हुआ क्या बताए एरर वैसे ही निकल जाए ठीक है बिटवीन बिटविन एंड अगर आप रीड ही नहीं कर पाओगे फिर एरर निकल ही नहीं सकते नाउन के प्रोनाउन के करते रह जाओगे रीडिंग जरूरी है बिटवीन एंड सेमा दो लड़कियां हैं या जो भी हैं ये फॉर्मर फॉर्मर और लेटर का मतलब सुन लो फॉर्मर होता है पहले वाला लेटर होता है बाद जैसे मूवी के दो पार्ट है बीच में हुआ इंटरवल फॉर्मर ये वाला है लेटर बाद वाला है एल ए टी आर नहीं ये टाइम के लिए यूज होता है आई विल कॉल यू लेटर ये वाला पोजिशन के लिए यूज होता है लेटर पोजिशन इन दोनों वर्ड की पोजीशन ये पोजीशन वाइज दूसरा ये पहला ये टाइम वाला होता है आई विल कॉल यू लेटर एल ए डबल टी आर पोजिशन वाला होता है ठीक है तो फॉर्मर इंटेलिजेंट है ये वाली और ये वाली ब्यूटीफुल है वाइल वाइल होता है कंपैरिजन के लिए यहाँ तो कोई एरर ही नहीं निकला नो एरर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कोई एरर नहीं है ठीक है किसी एडजेक्टिव के आगे इन्होंने फॉर्मर लेटर कर रखा है नाउन लगा रखा है टा आर्टिकल लग जाए तो वो क्या कहते हैं क्या बन जाता है आपका नाउन बन जाता है ठीक है वो भी कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट दे आर कॉशियस अबाउट देयर कार ठीक है यहाँ तक बिल्कुल ही कॉशियस है मतलब सतर्क रहते हैं अपार कार एज बड़े चिंता में थे ये कोशियस कौन लगी हो गया बड़े चिंता में है बड़े कोशियस हैं कंसर्न है कार के बारे में एज रीजन देने के लिए यूज होती है हमेशा बिकॉज आई वॉज इल आई वु बिकॉज इट्स डोर इज ब्रोकन ये इट्स क्या लगा दिया इस इट्स का मतलब सीख लो ये स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो आप क्योंकि ये फुल फॉर्म इट इज की है इट इज की ये, ये है, है। दरवाजे क्या शो करना है आपको स्टूडेंट ये पोजेशन उसके दरवाजे जैसे मैंने बोला बैंक और उसके इंप्लॉई तो आप लिखोगे नॉन लिविंग है ना लड़का होता तो हिज लड़की होती तो हर हाउस हम सब के लिए वी के लिए अवर यू के लिए यूर दे के लिए देयर इट के लिए इट्स हाँ इट्स ये लो ठीक है चलो बाकी गलत है इट इज लिख रहे हैं तो वैसे ही वही लिखा ही हुआ था इट इज तो इट्स ये वाला वर्ड चाहिए इसके डोर पढ़ने से पता लगे रीडिंग स्किल से पता लगे ऐसे नहीं हो सकता क्या लिखा हुआ है क्या सेंस चाहिए से ये? ये करो थ्री ट्वेंटी एट yes. आपको यहाँ फ्रेजल वर्ब सीखनी होगी स्टूडेंट क्या होती है फ्रेजल वर्ब जैसे लुक है वर्ब है इसका मतलब देखना है बट इसके अगर मैं आ, आफ्टर प्रीपोजिशन लगा दू एक न्यू वर्ब यहाँ पर आपकी तैयार हो गई है इसका मतलब होता है देखभाल करना अगर मैं लुक के साथ इन टू लगा दूँ तो होता है इंक्वायरी करना लुक के साथ फोर लगा दू तो होता है सर्च करना तो ऐसे ही अपने एक्सपेंस आपको पैसे बचाने या तो थोड़े कम करने पड़ेंगे तो कट डाउन ओन ये एग्जैक्ट वर्ड यूज होता है एक्सपेंस रिड्यूज के लिए मतलब होता है रिड्यू ठीक है नेक्स्ट ही इज अ वीक स्टूडेंट ठीक है सम हाउ का मतलब सम हाउ सम हाउ का मतलब किसी भी तरह से एडवर्ब होता है किसी भी तरह से पुल्ड ओवर द एग्जाम नहीं होता मतलब ऐसा होता है डिफिकल्टी को मैनेज करके कहीं ना कहीं एग्जाम निकाल लेना मतलब सक्सेस हो जाना चाहे डिफिकल्टी करी पुल्ड थ्रो खींच लिया अपने आप को थ्रू थ्रू होता है मीडियम के लिए यूज आई गोट दिस न्यूज थ्रू माई फ्रेंड स्केप थ्रू द विंडो मीडियम के लिए यूज होता है तो यही है पुल थ्रू फ्रेजल वर्ब यूज कर रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन इसी के आ रहे हैं पुल थ्रू का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे ठीक है कितने अच्छे क्वेश्चन आए फ्रेजल वर्ब्स के मतलब पूरे इस सेट में फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे पुल थ्रू का मतलब होता है सक्सेस पा जाना गेट सक्सेस कैसे भी ठीक है विद द डिफिकल्टी कोप विद मैनेज करना कोप विद होता है जिसका मीनिंग चलो ठीक है फिर भी सक्सेस पा गया डिफिकल्टी आई जो भी आई उन सबसे लड़कर मंथन एंड प्रणव क्या लिख रखा है स्टूडेंट देखना एक बार मंथन एंड प्रणव दो बंदे हैं इनके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी तो अगर जो बच्चे नए हैं उनको मैं एक चीज करवा दूं फिर बाद में आप कर लेना टेंस जैसे आप टेंस चेक कर रहे हो किसी भी लाइन में अगर एग्जामिनर ने सेकंड फॉर्म यूज कर दी हो चाहे कि बार बार मुझे बताना पड़ता है नए बच्चे भी जुड़ते हैं हमारे साथ चाहे सेकंड फॉर्म यूज करे चाहे वो फर्स्ट फॉर्म यूज करे आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते जब तक हिंट नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला भी ग्रामर में है ये टेंस भी ग्रामर में है मैं खेलता था सही है मैं खेलता हूं सही है विल प्ले सब सही है देर आर ट्वेल्व टेंस इन इंग्लिश ग्रामर ऑल आर करेक्ट इफ देर इज नो हिंट अगर मैं यहाँ डेली लिख दू डेली अब आपको पता है वी वन आएगी तो आप कट करोगे अगर कोई हिंट नहीं है तो ठीक मान लेना है तो इनको ठीक मान लेना है वी टू को टूगैदर इन अ कंसर्न कंसर्ट का मतलब कोई शोर है उन्होंने कट्ठा गाया सैंग अभी से कह रहे हैं रिप्लेस करो नो इंप्रूवमेंट तो है नहीं रिप्लेस तो करना पड़ेगा आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्टूडेंट स्पष्ट तरीके से क्लियरली एक्सप्रेस बताना क्लियरली एक्सप्रेस इन का मतलब कोई सेंस नहीं है क्लियरली कुछ कहना चैंटेड कह सकते हो हाँ दो जने अगर साथ गा रहे हैं तो चैंटेड टुगेदर बार बार एक ही चीज गाना चैंटेड टुगेदर ये सही है चैंटेड करना या गाना ये रिप्लेस कर सकते हैं और वर्ड मीनिंग ये लगे और चेक कर सकते हो यू कैन यूज गूगल है, बिल्कुल ऐसे आएगा क्लियरली कुछ बोलना गाने का ही सेम टू सेम यूज करना है नो इंप्रूवमेंट है नहीं तो ऐसा लग रहा है कि सिनोनिम बताना है भाई सेंग का ऐसे ही कहेंगे नो इंप्रूवमेंट नहीं है तो चलो द स्टोरी डिडेंट गो बाय वेल इनफ बताओ स्टोरी जो है बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हो पाई ये स्टूडेंट इस इसमें कह रहे हैं ऑर्डर देना सर एक बार हाँ बताओ द स्टोरी डिडेंट गो बाय वेल इनफ मतलब सही तरीके से जो हम चाहते थे एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ पाया तो गो 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 डाउन 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 का मतलब यही होता है go down से याद कर लो गो डाउन ठीक है गो डाउन का मतलब एग्जैक्ट वो रिजल्ट नहीं आ पाया जो हमने स्टोरी के थ्रू लाना था वेल well इनफ नहीं आ पाया गो डाउन यही ठीक है मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरी है खरी प्रतिक्रिया नहीं आई चलो द शिप सेंक ठीक है डूब गया बिकॉज द इंजीनियर हैज नॉट कोल्ड फॉर हेल्प है गया गया गया। जो उसके इंजीनियर थे उन्होंने हैज नॉट कोल्ड देखो मेन क्लोज स्टूडेंट देखो आपने टेंथ में पढ़ा हुआ अगर इफ मेन क्लोज इज इन पास्ट टेंस देन यू शुड यूज सबोर्डिनेट क्लोज ऑल्सो इन पास्ट टेंस पास्ट का चाहे इंडेफिनेट करो कंटिन्यू जो भी पर करो पास्ट में ही सैड डेट है ना तो यहाँ ही प्लेड या जो भी है पास्ट आएगा अब सिर्फ डूबा क्योंकि यहाँ प्रेजेंट कैसे आ गया ये गलत डिड नोट के बाद वी वन आती है आपको पता है डूडर्स के बाद बेसफॉर्म आती है बेस आती है वोज नोट के बाद कॉल कैसे आ गया वोज नोट के बाद या तो आई एन जी आता है और पैसिव है तो वी थ्री आता है पैसिव लग नहीं रहा क्योंकि इन्होंने खुद ही किया काम पैसिव का मतलब होता है आगे करने वाला नहीं रिसीवर बैठा है जैसे क्रिकेट आगे है तो क्रिकेट खुद नहीं खेलता क्रिकेट को खेला जाता है तो पैसिव लिखते हैं पर मैं अगर अपने आप को लिखता हूं तो मैं मैं खुद ही खेलता हूं तो यहां एक्टिव के फॉर्मूले अगर आगे रिसीवर है तो फार्मूले पैसिव हुए क्या होते हैं पैसिव के फार्मूले वोज लगा के थर्ड फॉर्म लगाना इज लगा के थर्ड फॉर्म लगाना पर ये एक्टिव है इन्होंने खुद ही नहीं बुलाया इंजीनियर जो बैठे हुए थे जाँच पे ठीक है ठीक है कहाँ हैज़ नॉट कॉल डिड नॉट लिख लो पास्ट है वो भी पास्ट है डिड नॉट कॉल फॉर है ये सही है बाकी टेंस गलत ये कोई फॉर्मूला नहीं है डिड के बाद कोई फॉर्मूला नहीं है फ्यूचर की सेंस आएगी नहीं पास्ट है तो सारा पास्ट में चलेगा स्टूडेंट्स वुड आ सकता था आता तो मेन क्लोज पास्ट में वट एक्जैक्टली इज यूर प्रॉब्लम विद मी क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरे से मुझे तो कोई उसमें एरर नहीं लग रहा ठीक है डेफिनेटली एंटायरली फाइनली कोई सेंस ही नहीं है exactly, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है क्यों रिप्लेस करें यह करिए हाँ कैसे तुम्हें ये पर्स मिला ठीक है कैसे आपको प्राप्त हुआ कैसे एक्वायर हुआ कैसे गेट हुआ कैसे मिला आपको एक्वायर कैसे हुआ ये पर्स बाय बाय करके मैं जा रहा था मुझे मिल गया इससे याद हो जाएगा ये थोड़ी ट्रिक बना रस्ते में कुछ मिल गया कम बाय इसका मतलब होता है किसी कोई चीज आपको मिलना गेट एक्वायर ये फ्रेजल हल यूज होगी अबाउट की यहाँ कोई सेंस नहीं है रीडिंग करने से पता लगा ना ये यूज होनी है यह करिए एग्जैक्ट देखो फोर सेंटेंस इसमें लिखे हुए हैं इसमें आर्टिकल का ठीक से यूज करना है आपका क्वेश्चन हो जाएगा बस मैचर का मतलब होता है ये एक नाउन है मैचर विच रेफर ये उस पर्सन के बारे में बताता है जो एक्टिविटी में पार्ट करता है हॉबी की तरह प्लेजर की तरह पर एक जॉब की तरह नहीं लेता बस उसे मजा आ रहा होता है वो आदमी होता है मैचर ठीक है अब देखें आर्टिकल सही लग रहे हैं किसमें नहीं लग रहे गलत करते हैं पहले पर्सन के आगे एन लगा हुआ है लो भाई एन लगता है वोवल साउंड वालों के लिए जैसे अ से शुरू हो कोई वर्ड हिंदी के वोवल ये नहीं इंग्लिश के यू ए ऐसे तो लो यूनियन वोवल है ना ए लगेगा तो हिंदी का यह है ये हिंदी का देखते हैं अ आ, आ उ स्वर होते हैं जो उ ई ये वर्ड ये होने चाहिए बस पहला वर्ड यूनियन यूनियन में ये नहीं यू भी लगा रहे तो फिर पूरा बोल लो यूनियन सिर्फ पहला य तो है ही नहीं इसमें बाकियों के लिए ए लगता है तो आज भाई पर्सन पर, आ, 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 यू है न, क्या है इसमें अ आ ई ए कुछ भी साउंड नहीं है तो ये गलत है। और बताओ और कोई गलत करना है एज अ हॉबी फॉर प्लेयर नोट ये और गलत मिल गया जॉब कॉन्सो साउंड और वो आर्टिकल एन लगा दिया एक और देख लो अब कौन सा बच गया अब हाँ भाई ये गलत हो गया और आपका ये भी हो गया फर्स्ट और इसमें से देख लो कुछ मिल जाएगा यहां तक सारा सेम है मैचर इज अ नाउन विच रेफर्स टू अ पर्सन उसने पेड किया सेकेंड फॉर्म लगा दी चुपचाप मान लो इफ देर इज नो हिंटेंस आर करेक्ट शी ब्रोट एट द बुटीक ब्रोट ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है हो kia, Chupcha, man, no hint, bring hai, बेटा ये ब्रिंग और उसने बुटीक से हम खरीदते हैं लाते नहीं है उसने बुटीक में लाया नहीं है वो कहीं सोचो हाई प्राइस कर दिया अरे वो क्लोथ यहाँ पे देखो एक कंजंक्शन मिसिंग है लगानी थी यहाँ डैट या विच लगानी थी क्योंकि क्लोथ्स के लिए डेट आई है जो ये खरीद दिया उसने बुटीक से एट द बुटीक ठीक है पर्टिकुलर शॉप के लिए एट लगते हैं बड़ी लोकेशन के लिए इन लगता है इन डेली इन कोई स्टेट बताना हो इन राजस्थान इन, इन इंडिया छोटी मोटी लोकेशन के लिए एट तो ब्रोट नहीं बाय बोट ब्रोट होती है ब्रिंग की सेकंड होम यू शुड यूज हेयर बोट क्योंकि जो क्लोथ वो खरीद कर लाई थी बुटीक से खरीदते हैं ज्यादातर ये नहीं वहां ले आई है। एट लग जाएगा ठीक है अब ये ना कहना ब्रिंग क्यों नहीं लगा पास्ट है तो वो भी पास्ट आएगा कंजंक्शन के साथ वाला सारा द टाइम हिज फ्रेंड वोकअप ही हैड ऑलरेडी बिगिन बिगेन बिगन क्या है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही हाँ देखो ये दो बातें पास्ट की हैं चलो पास्ट की बातें करते हैं <coughs> मैंने कल उसको देखा था आई सोहर मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था पासपोर्ट ठीक है माई पक्का। पर अब अगर आपको दोनों बातों को ज्वाइन करना और एक दूसरे से रिलेट करना है कि उसको देखने से पहले मेरा पासपोर्ट गुम हो गया था अब ये दोनों बातें पास्ट की हैं पर एक दूसरे से पहले हैं तो इंग्लिश ग्रामर कहती है जो पास्ट का भी पास्ट है ना उसको हेड वी थ्री दो एक को बीटू जैसे आप ये आपकी प्रेजेंट की लाइन है लाइफ की ऐसे जाओ अपनी जिंदगी में पीछे 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 जाओ पहले आपने ट्वेल्थ की है फिर भी और पीछे जाओ टेंथ की है ट्वेल्थ करने से पहले मैं टेंथ कर चुका था तो टेंथ को मिलेगा हेड वी थ्री डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था पेशेंट को मिलेगा हेड वी थ्री बाद में डॉक्टर आए मूवी स्टार्ट होने से पहले हम पहुंच चुके थे हम पहले ही पहुंच चुके थे ये रहा बाद में वही है ये जब तक उसका फ्रेंड उठा था वी टू बाय द टाइम वी वन के साथ यूज हो तो आगे फ्यूचर परफेक्ट आता है वी टू के साथ तो हैड वी थ्री ऑलरेडी लग गया और ऑलरेडी तो लगता ही परफेक्ट है वी टू का पेयर आ गया इससे पता लग गया हैड वी थ्री ही आएगा आगे बस अब ये बिगन को कह रहे हैं ठीक करो हैड के बाद थर्ड फॉर्म ही आती है बिगिन बिगेन बिगन नो एरर यहां से पढ़ो हिज लास्ट ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड टेकिंग देखो अराउंड प्रीपोजिशन है ये इसका ऑब्जेक्ट है आपको पता है सब्जेक्ट ये है इसके लिए वर्ब आनी है जो आनी है टेकिंग इसको चाहे हटा दो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है मैंने कई बार बताया स्टूडेंट्स अगर मैं किसी भी लाइन में ऐसे नाउन लिखता हूँ वाटर और सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ द वाटर ऑफ रिवर्स इन इंडिया कहीं भी इन वर्ल्ड जो भी है तो ये बाद वाला ऑब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि नाउन का काम यही है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट और वह बाती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट वाटर ही है हाँ तो हिज लास्ट ट्रिप चाहिए पढ़ो ना पढ़ो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है टेकिंग सीधा आई एन जी आ नहीं सकता बिना इज एम आर वॉज वर के आपको पता आई एन जी बी की फॉर्म के साथ लिखते हैं तो या तो वाजभर हो या फिर अपना सेकंड फॉर्म लिख लो लास्ट ट्रिप है पास्ट की बात है टेकन थर्ड फॉर्म भी सीधा नहीं आ सकती बिना हैज हैव के फर्स्ट फॉर्म आ सकती है सीधा आ सकती है वी वन और वी टू एक ऐसी वर्ब है तो सीधा आ सकती है प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट है पर यहाँ टेक्स होना था क्योंकि लास्ट ट्रिप सिंगुलर है और ये ना कोई फैक्ट लग रहा है ऐसा लग रहा है लास्ट ट्रिप है पास्ट की बात है तो टुक ज्यादा बेटर लग रहा है टेंस वाइज भी थोड़ा बहुत हिंट है इफ देर इज हिंट यू कैन यूज टेंस अकॉर्डिंग टू डिट फैंस फील प्राउड ऑफ देयर टीम जब वो जीतते हैं तो फुटबॉल फैंस फील करते हैं प्राउड आर फीलिंग चलो स्टेट वर्ब है कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता स्टेट वर्ब में कई बार बताया देखो अगर मैं ये राइट right वर्ब है इस राइट right वर्ब से आप कोई भी टेंस बना सकते हो आई एम राइटिंग अ लेटर मैं लिख रहा हूँ थोड़ी देर बाद क्योंकि इसका मतलब है इनकम्प्लीट मैं लिख रहा हूँ तो इनकम्प्लीट है ना कम्पलीट बोलना है तो ये लो आई हैव रिटन लेटर तो कब भी आईएनजी लगाओ तो आप मन में बिठाया करो कि इसका मतलब होता है इनकंप्लीट मैं लिख रहा हूं अभी अधूरा है ये आई हैव रिटन लिख लिया अब ऐसी कुछ स्टेट वर्ब है मेरे पास मैं लाइक कर रहा हूं प्यार कर रहा हूं आपने कभी भी मूवीज में देखा होगा हीरो हीरोइन क्या कहते हैं आई एम लविंग यू नहीं कहते क्या बोलते हैं बेटा आई लव यू बोलते हैं क्योंकि आई एम लविंग यू का मतलब हो जाएगा कि अभी मैं तेरे से प्यार कर रहा हूं इसका मतलब अधूरा है थोड़ी देर बाद पूरा होगा यह कोई एक्शन थोड़ा है जो थोड़ी देर बाद पूरा हो जाएगा तो अभी कितना है फिर बोल ही क्यों रहे लव यू तो ये परमानेंट होता है और भी बहुत वर्ब आती है स्टेट में फील भी आती है तो इनके साथ प्रेजेंट टेंस लगाया करो फील और सब्जेक्ट प्लूरल है द वर्ब ऑल्सो शुड भी प्लूरल तो बताओ फुटबॉल फैंस फुटबॉल फैंस कहाँ है बोलो फील प्राउड चाइल्ड फेल्ट डाउन सेकंड फॉर्म यूज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इफ देर इज नो हिंट ओल्ड आर करेक्ट और ज्यादातर ऐसा लग रहा है वी वन यूज करे तो गए तो बेटा ऐसी हिंदी बन जाएगी रोज गिरता हो जैसे फैक्ट हो तो ज्यादातर वी टू को ही प्रेफर करा जाता है किसी भी सेंटेंस में फील फेल्ट फेल्ट एक तो ये है और एक है स्टूडेंट फील फेल्ट फेल्ट हो गया एक है फॉल फैल फॉलन देख लो अब गिरने के लिए तो ये होती है तो महसूस करना होता है और सेकंड फॉर्म यूज करना चाइल्ड सिंगुलर है फर्स्ट फॉर्म करोगे तो ऐसे ही एस आएगा फाल फैल फालन सीधा आई एन जी आ नहीं सकता थर्ड फॉर्म सीधा आ नहीं सकती विदाउट हैज है इजार आई एन जी नहीं आ सकती फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस होना चाहिए था पर रो फैक्ट तो लग नहीं रहा और लगे भी आपने तो कहा था सर कोई टेंस भी लगा सकते हैं इफ देर इज नो हिंट पर फिर भी वी वन और वी टू में किसको प्रेफर करोगे वी वन का मतलब होता है डेली कोई काम होता है रेगुलर रेगुलर गिरता है वो नहीं ना तो और फिर भी वी वन गलत भी है एस आई एस नहीं लगा हुआ वी टू को प्रेफर करो क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है फोल्स होता है या तो ये सिंगुलर वर्ब होती है ना अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखो नाउन बेटा सिंगुलर कौन सा होता है विदाउट एस ये नाउन के अलग रूल है वर्ब सिंगुलर होती है एस सी आई एस वाली वर्ब के अलग रूल है मंगलवार को चलो देख लेते हैं वेंट टू गेट टेंस देखते हैं मैंने कहा कोई हिंट ना हो तो कोई भी टेंस लगा सकते हो पर मुझे यहाँ हिंट आ गया पास्ट का ओन ट्यूसडेज की मतलब मंगलवार को जाती है यूं भी बोल सकते हो जाती थी यूं भी यू ना कहना ऑलवेज लगा हुआ है तो इनडेफिनेट लगता है अरे ऑलवेज लगाओ डेली लगाओ तो पास्ट इनडेफिनेट भी लग सकता है कि पहले जाती थी हमेशा डेली पहले बस से जाया करता था लग सकता है पर एक बार देख लेते हैं हेड गोटन को तो भूल ही जाओ पास्ट परफेक्ट टेंस लगाने से पहले वी टू को याद कर लो क्योंकि मैंने अभी बताया था हेड वी थ्री हमेशा पेयर के साथ यूज होता है वी टू के साथ कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था सिर्फ यूं बोलना है ना डॉक्टर आया था वी टू लगाओ सिर्फ इतना सा बोलना है ना पेशेंट मर चुका था ये लगाओ कंपेयर करना है तब आता है है पास्ट पास्ट का भी पास्ट। एक ही लाइन बोलनी है तो वी टू लगाया करो हाँ भाई ठीक है चलो हेड गोटर लगा देता अगर कोई हिंट नहीं है तो अब मेरे को पता है सारी टेंस ठीक होते हैं हेड है, थ्री भी फॉर्मूला है वी टू भी है बट एक बार और भी तो देखे गोन सीधा आ नहीं सकता सब्जेक्ट के जस्ट बाय थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती वेंट टू गोट वेंट आ गया सही है टू के बाद तो वी वन आती है अभी मैंने आपको एडवांस वर्ब बताई थी ना स्टूडेंट एक सेंटेंस में एक ही वर्ब आ सकती है बाकी जितनी आएंगी एडवांस वर्ब आएंगी चाहे वो जेर आए चाहे इन्फिनेटिव आए देखो ये क्या होता है एडवांस वर्ब मैंने बोला मैं चाहता हूं बोल लिया अब आपको बताओ यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह खाली है तो मेरे मुंह से निकला कार मैं चाहता हूँ कार तो मैंने कार लिख दिया ये एक प्योर नाउन है आप इसे नहीं छेड़ सकते बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये जगह भी नाउन की थी बट अब इसी जगह पे आपकी साउंड देखो किसकी निकली मैं चाहता हूँ क्या कार नहीं खेलना अरे ये तो इस जगह पे वर्ब निकल गई मुंह से और जगह किसकी है ये नाउन की आई वॉन्ट वट प्ले तो मैंने प्ले की इंग्लिश ढूंढी मुझे मिल गई मैंने प्ले लिख दिया ये गलत है क्यों गलत है कार नाउन था ये जगह किसकी है नाउन की आपने क्या लिख दी प्योर वर्ब वी वन लिख दी और दो वर्ब तो साथ आ नहीं सकती तो इस वीवन को नाउन बना लो क्योंकि ये जगह नाउन की है तो वी वन को नाउन बनाने की स्कीम है या तो आई एनजी लगाओ जेरन बन जाएगा जब साथ साथ की सेंस हो आगे जाने की सेंस हो तो टू लगा के वी वन लगा दो तो आप जैसे ही यहां टू प्ले लिखोगे तो ये कहेगा अब मैं फिट टू क्योंकि मैं अब एक नाउन बन गया हूं पर याद रखना इसकी शक्ल थोड़ी बहुत वर्ब जैसी है ये वर्व वाले काम भी करेगी क्या वर्व वाले काम वाइज तो ठीक है नाउन वाले काम क्या? आगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेना लेना एडवर्ब प्ले क्रिकेट ले, ले जैसे वर्ब लेती है ऑब्जेक्ट एडवर्ब तो ये आगे ले लेती है पर कार प्योर नाउन है ये अपने बात क्रिकेट नहीं ले सकती क्योंकि इससे आवाज ही नहीं आएगी कार तो प्योर नाउन है साउंड सिर्फ वर्ब से आती है वर्ब क्या किया कैसे किया तो ये ऑब्जेक्ट तो ये प्योर नाउन है वर्ब प्लस नाउन है तो ये एडवांस वर्ब होती है आज तो ये वेंट एक वब आगी बाकी जितनी आएंगी एडवांस हो आएगी क्योंकि एक क्लोज में एक ही वब आ सकती है बाकी सब एडवांस वब जेर एंड इन्फिनेटिव टू के बाद वी वन आती है सही है इसमें नो एरर लगाओ स्टूडेंट ठीक है क्यों नो एरर लगाएंगे हम हेड गोटन क्यों नहीं कर रहे सर आप क्योंकि ये टेंस भी ठीक है तो फिर ये भी तो ठीक है जो लिखा हुआ है तो मैं क्यों जाऊँ पास्ट परफेक्ट की टेन्स की तरफ जो पास्ट का भी पास्ट होता है वो भी सही है चलो नो इम्प्रूवमेंट ये क्यों गलत हो गया टू के बाद वी टू लिख दी गेट गोट थर्ड हेड आंसर लूज बेटा लूज जो होती है ना ये एडजेक्टिव होता है क्या होता है लूज ढीला एक होता है प्रोफिट लॉस ये होता है नाउन एक होता है लॉस वर्ब जिसकी थर्ड फॉर्म देखो एडजेक्टिव की डिग्री होती है डिग्री फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री गुड बेटर बेस्ट कंपेरेटिव ऐसे नाउन का सिंगुलर प्लुरल वर्ब की फॉर्म होती है लॉस लोस्ट लोस्ट और यहाँ पे वो अफ्रेड है लॉस होने में अपने डर रहा है खोने में वर्ब आएगी यहाँ पे हिंदी से कर लो नहीं तो अपना पार्ट ऑफ स्पीच से भी करवा दूंगा यहाँ आएगी वह अभी ये वाला लॉस आएगा वो डर रहा है होने में और मुझे इतना ही पता लग रहा है आपको यहाँ प्रीपोजिशन दी हुई है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है प्रीपोजिशन लगती नाउन से पहले है याद रखना है, ये भी सिखा देता हूँ आज प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले लगती है सबको पता है ऑन टेबल एट बस स्टैंड आज बट आज वही सिखाता हूँ एडवांस ऑफ आई एम फोन प्रीपोजिशन आ गई क्रिकेट मैं शौकीन हूँ क्रिकेट का बिल्कुल ठीक है ये नाउन है ना प्योर नाउन है इसमें आई एन जी नहीं लगाओगे टू वी वन नहीं लगाओगे तो बट आपके मुंह से नाउन की जगह पे निकलगी कहाँ जाओगे मैं शौकीन हूँ क्रिकेट का नहीं मैं शौकीन हूँ खेलने का खेलना की इंग्लिश ढूंढी मैंने ग्रामर में गूगल में जाके वी वन देता है गूगल लिख दी गलत हो गया सेंटेंस क्योंकि तो ये जगह किसकी है नाउन की और आपने क्या लिख दी प्योर वर्ब तो इसे नाउन बना लो तो v1 को नाउन बनाने का इलाज है या तो आगे टू लगा देना अभी सिखाया था जब आगे की जेन्स या फिर आई एन जी लगा के जेरन बना लेना ये भी नाउन होते हैं सुना होगा आपने स्विमिंग इजे है ना सब्जेक्ट की जगह पे तो अब नाउन बना लो अब यहाँ टू वी वन ना लिखना प्रीपोजिशन के बाद याद करो हमेशा वी वन प्लस आई एन जी को नाउन बनाना क्यों क्योंकि तो आप अगर यहाँ टू वी वन को नाउन बनाओगे तो ऐसा लगेगा दो प्रीपोजिशन है ये तो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद जेरन बनाते हैं प्लेइंग तो ये नाउन बन गया अब बैठ जाएगा क्योंकि जगह नाउन की थी बना दिया नाउन याद रखना ये प्योर नाउन नहीं है क्रिकेट की तरह ये वर्ब भी है तो ये वर्ब वाले काम भी कर सकता आगे ऑब्जेक्ट लेना प्लेइंग ये वो चलो वही है अफ्रेड ओफ, अफ्रेड ऑफ ऑफ के साथ लगी पर इन्होंने तो वर्ब पूछ ली मेरे से क्योंकि मेरे को क्या पता वर्ब पूछ ली क्योंकि देखो आगे ऑब्जेक्ट भी है वट और यहाँ वर्ब वाला नाउन चाहिए तो वर्ब वाला नाउन चाहिए आपको पता है तो ये वर्ब है है खोना प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है मुंह से क्या निकल गई वर्ब खोना मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढी लॉस पर ये तो वर्ब है जगह किसकी है ये नाउन की तो इसे नाउन बना लिया कैसे आई के पर ये ये अपने आपको वर्ब मानती है है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट पर नाउन बन चुका है ये प्रीपोजिशन का काम पूरा हो चुका है नाउन लेना था मिल गया नाउन या तो प्योर नाउन लेती है या जेर लेती है अगर वर्ब दे दी तो ऐसे बनाओ नाउन बन जाएगा तो यहाँ लोसिंग आएगा ये लो क्योंकि तो यहाँ वर्ब चाहिए वर्बल नाउन चाहिए वर्ब ये तो एडजेक्टिव है प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन आते हैं और नाउन या तो प्योर नाउन होते हैं क्रिकेट या फिर वी वन प्लस आई एनजी तो ये तो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव में थोड़ा आई लगता है नाउन में थोड़ा ऐसा एनजी लगता है रामिंग सुना है कभी रामिंग बुडिंग सुना है कभी नहीं वब के पीछे आई लगता है तो वब तो ये है तो हो गया और खोना का समझ लो लूज तो ढीला होना होता है प्रॉफिट लॉस का मतलब कुछ और होता है लाभ हानि लॉस होता है खोना और वहां खोना की सेंस चाहिए थी हो गया यहाँ भी वही है एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसन सीम्ड आगे मेन वर्ब अब जितनी भी आएंगी एडवांस सीधी सी बात है एक क्लोज है तो एक ही वब आ सकते है, या तो फिर कंजंक्शन लगाओ या एडवांस वब यूज करो आगे जाने की सेंस है तो इन्फिनेटिव साथ, साथ की सेंस है तो जेरेंड प्रीपोजिशन है तो भी क्या आता है जेरेंड ठीक है चलो एप्लीकेशन है जो मेडिसिन की ऐसा लग रहा है उसका दर्द लेसन टू आ रहा है टू के बाद वी वन आती है अभी बताया था एक क्लोज में एक वो आ सकती है बाकी जितनी आएंगी, आएंगी। टू प्लस आपको कम करना है दर्द वी वन चाहिए ये तो डी लग के ऐसा लग रहा है सेकेंड या थर्ड फॉर्म में ये आएगा लेसन ठीक है बेटा लेसन ऐसे बेटा जैसे लूज एक नाउन है लूज सॉरी एडजेक्टिव था ना इसको अगर मेरे को तो मैं बना सकता हूँ कुछ छेड़छाड़ के

ठीक है लेस सुना है आपको तो मैंने तो लेस सुना है मोर लेस ये एडजेक्टिव होते हैं अभी से कुछ कि, कि, किसी तरह वर्ब बनाना है इसका मतलब तो कम है कम करना बनाना तो बन तो है तो ई एन लगाया फर्स्ट फॉर्म बन गई लूज का मतलब तो ढीला होता है एडजेक्टिव है लूजन लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गई ठीक है चलो लाइट का मतलब रोशनी है लाइटन लिखते ही रोशनी करना बन गया करना वर्ब बन जाती है करना नाउन बोलू राम खेलना ये वर्ब है कूद ना ये वर्ब है ना चाहिए होता है फ्लेम्स ऑफ द फायर जो फायर की जो फ्लेम्स है लीप इंटू द एयर लीप इंटू द एयर लीप उड़ती है लीप इंटू लीप इंटू द एयर रिप्लेस करना है बरकरना हाँ जी बोलो क्या करें द फ्लेम्स ऑफ द फायर आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होते इसे तो छोड़ दो ये है फ्लेम्स फ्लेम्स प्लूरल है तो वी वन यही वाली आएगी एस एस नहीं लगेगा ठीक है अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस करें या फिर पास्ट इंडेफिनेट टेंस करें अब यही मुद्दा उठता है सही तो ये भी है मैंने कहा था इफ देर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट पर अब दोनों में से क्या चुने दोनों ही ऑप्शन में हो तो आपको पता ये रोज नहीं होता होगा एक आधी बार ही होता होगा कि हवा में चलेगी तो आप सेकंड फॉर्म यूज कर लो लीप leap की लिप टू सही रहेगा पास्ट ज्यादा प्रेफरेबल होता है मैं बता रहा हूं डेली का कोई फैक्ट हो कोई मुहावरा हो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो द दन राइज द ईस्ट वो अच्छे भी लगते हैं ये तो ऐसा लग रहा है कल परसों की कोई घटना ही होगी तो दोनों में से क्या प्रेफर करूं भी टू लिप टू फ्रेजल वर्ब है भाई विद प्रीपोजिशन है नाउन आएगा या आएगा जरूरी नहीं है जस्ट पहले ही आ जाएगा ये आ गया नाउन और नाउन से पहले एडजेक्टिव लगते ही लगते हैं तो आपको मैं बताऊं प्रीपोजिशन के बाद नाउन लगता है मैंने बच्चों को बताया नाउन लगता है प्रीपोजिशन नाउन हाँ पर वो साथ में एडजेक्टिव लग गया तो बच्चे बोले आपने तो कहा था नाउन से पहले लगती है अरे नाउन आया ना एडजेक्टिव तो इस नाउन ने बुलाया जैसे मैंने लिखा ही जम्प्ड इन टू प्रीपोजिशन आ गई नाउन आ गया अब यूं ना कहना मैं आप डर्टी क्यों लिख रहे हो इसके आगे आपने तो कहा था नाउन से पहले अरे नाउन आया ना ये थोड़ा ये डर्टी को इंटू के कारण फिर तो नाउन मीटर के देख लो एक बार करना ही रेज सही है ही डर्टी कोई बात बनी रिवर में फिर भी बात बन रही है चाहिए ना भी लिखो इन टू रीवर इसका मतलब प्रीपोजिशन नाउन के लिए बने ये साथ में एडजेक्टिव लिख सकते हैं नाउन के साथ चलो टीयर टीयर खुद एक नाउन है दो नाउन कैसे टीयर की विशेषता बताओ आंख जो नम हो भरी हुई हूँ आंसुओं से टीयर आइस He had before, कितनी बार बताऊ और अगले अगर वी वन दे दे दें, तो नाउन बना लियो प्योर नाउन दे दे दें, क्रिकेट राम शाम तो कोई दिक्कत नहीं उसमें थोड़ा आई एनजी लगाओगे तो प्योर नाउन है दे दे दें, ये तो वह भाई नाउन बनाने का तरीका एक ही है आई लगा दो या फिर टू लगा दो इसके आगे एडवांस वर्ब बना लो ठीक है एडवांस वर्ब क्या करती है हम नाउन भी हैं पर हमें वर्ब वाली ताकतें भी है आगे ऑब्जेक्ट लेना एडवर्ब लेना ये ले लेती हैं प्योर नाउन नहीं ले सकता तो वही चीज है बिफोर के बाद स्टार्टेड आपको पता है वर्ब है नाउन तो है नहीं किसी एंगल से इसे वर्ब नाउन बनाना पड़ेगा और इसने सेकेंड फॉर्म लगा दी और आपको पता है नाउन प्रीपोजिशन के बाद ये वाला यूज करते हैं जिसे जेरेंड कहते हैं हमेशा तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा बेटा या तो प्योर नाउन लिख बस स्टैंड राम शाम इज गोइंग विद मी हर प्रोनाउन लीक या नाउन लीक या फिर वी वन प्लस आई एन जी वाला वर्ड यूज करा करो टू वी वन क्यों नहीं करते क्योंकि ऐसा लगेगा दोनों प्रीपोजिशन एक साथ होगी तो स्टार्टिंग लिखो पहले तो यहाँ पे बन गया नाउन बन गया पर याद रखना यह प्योर नाउन है ये वर्व वाली ताकत भी है और वर्व वाली ताकत ये होती है अपने बादउंड निकालना क्या किया ऑब्जेक्ट ले लेगा कैसे किया एडवर्व ले लेगा ले स्टार्ट वट वर्क बस यही था एलो? लाइक टू मीटिंग फिर वही एक सेंटेंस में एक वर्ब आ सकती है लाइक like. आ गई है जो कि बाकी जितनी आएंगी एडवांस वर्ब आएंगी या तो टू मीट आगे जाने की सेंस है तो टू मीट और साथ साथ की सेंस है तो जेरेंड भी लिख सकते हैं आई लाइक मीटिंग पर ये एक ऐसी वर्ब है जो दोनों ले, ले लेती है कई बार लाइक जैसे साथ साथ की सेंस क्या होती है मैं चाहता हूं इस वर्ब को देखियो ये जो मेन वर्ब है ये बताएगी आपको इन्फिनेटिव आएगा या जेरेंड प्रीपोजिशन के बाद तो पक्का जेरेंड है क्योंकि तो टू वी वन आ ही नहीं सकता दो टू ऐसा लगेगा इकट्ठे हो गए दो प्रीपोजिशन पोजिशन हाँ मैं चाहता हूं खेलना चाहता कब हूं अभी खेलूंगा कब बाद में मैंने डिसाइड किया टेंस का कोई चक्कर नहीं टेंस कोई भी लिखो मैंने डिसाइड किया कल किया था जाऊंगा कल के मुकाबले आगे आज चाहता हूं तो आज के मुकाबले आगे जाना आगे ही है मैंने कल डिसाइड किया था कब अब पहले किया था जाऊंगा बाद में टू ओ ऐसे ही आई होप मैंने होप किया पास होने का पास कब होऊंगा बाद में अब यहां पे ऐसे बोल सकते हो मैंने इंजॉय किया अभी डांस करूंगा बाद में फिर इंजॉय क्या किया ये तो साथ साथ हो रहे जो हो रहा है मैंने स्टार्ट किया अभी स्मोक कब करूंगा बाद में ये क्या हो रहा है स्मोक करूंगा बाद में तो अभी क्या स्टार्ट किया ठीक है? है तो साथ साथ हो रहा है तो यहां जेरेंड तो लाइक में या तो टू मीट और मीटिंग दोनों की सेंस आती है बट तो टू मीट मुझे कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा टेंस नहीं लगता है फालतू बातें हैं ये कोई सेंस नहीं है विल लाइक मीटिंग विद पीपल आई लाइक मीटिंग लाइक व बागी सब्जेक्ट व बागी और ऑब्जेक्ट की जगह खाली थी तो आपकी वर्ब निकल गई मुंह से सिंपल नाउन तो लिखना नहीं आई लाइक अ कार आई लाइक दिस गर्ल सीधा वर्ब वर्ब निकली वर्ण को नाउन बनाना पड़ेगा मैंने सीधा बताया या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे प्योर नाउन लिख दो आई वॉन्ट अ कार पर अगर आप वर्ब लिखते हो तो उसे नाउन बना के लिखो और नाउन बनता है या तो आई एनजी या टू वी वन तो आई लाइक मीटिंग और ये अपने आपको वर्ब मानता भी बताया था मीटिंग होम पीपल तो ये ऑब्जेक्ट लेने की आदत भी होती है इस इस की जो नाउन भी है प्लस में वर्ब भी है नाउन कैसे है सब्जेक्ट वर्ब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है पर अपने को क्या मानता है नाउन वो वर्ब भी मानता है तो आगे क्या आ जाता है इसके बाद नहीं आएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्योंकि नाउन ही माना जाएगा एक तरह से पर यह वर्ब वाले काम भी है इसलिए पीपल इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो नाउन भी है प्लस वर्ब भी है एडवांस वर्ब तभी बोलते हैं एक क्लोज में एक वर्ब आ सकती है बाकी एडवांस नेक्स्ट ठीक है आई होप समझ आ रहा होगा आप सभी को विक्की एंडा ट्राई करते हैं अपना बेस्ट टू रन फ्रॉम द रिचुअल ठीक है रिचुअल बार बार निभाते हैं जो भी है ट्राइज कैसे आ सकता है जब सब्जेक्ट दोनों प्लूरल हैं राम एंड शाम ट्राइज तो सिमुलर हुआ भैया तो ट्राई करो ट्राई करो जल्दी करो ट्राई हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है टेंस सारे ठीक हैं अगर हिंट नहीं है इफ देयर इज नो हिंट सारे टेंस ठीक मानूंगा हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है ट्राइड आना था ये फिर वही सिंगुलर सीधा लगाओ आंसर ठीक क्या कर रहे हैं ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसे रिप्लेस करो कोविड नाइनटीन पेंडेमिक ने क्या कर दिया रिजल्ट रिजल्ट ले आया सिंगुलर है है ठीक के बाद इन लगाया करो क्या रिजल्ट आया एन एन लग नहीं सकता स्लो कॉन्सोनेट है एन लग नहीं सकता स्लो चेंज चेंज नाउन है नाउन से पहले ठीक है इन फ्लोइंग ऑफ कैपिटल जनरेटेड बाई वर्कर्स ठीक है जो भी कैपिटल जनरेट किया है वर्कर्स ने कैपिटल के लिए पार्टी एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं जिसे ठीक है तो ये एक्स्ट्रा एडवांस वब है ये भी क्योंकि एक वर्ब आ चुकी है और ये सिंगल क्लोज है एक वर्ब आ गई है बाकी एडवांस वर्ब हाँ स्लो चेंज गलत है आज वो एक एक करके करते हैं एन डेलीबरेट चेंज डेलीब्रेट का मतलब इंटेंशनली एन लग नहीं सकता डी की साउंड है ठीक है तो ये आर्टिकल लगते है बेटा नाउन के लिए पर साउंड लेते हैं जो इससे पहले वर्ड लगा हुआ है जो बिल्कुल इनके साथ है जैसे ही इज ए बॉय बॉय की साउंड अगर मैं गुड लगा दूँ ना तो आया बॉय के लिए आर्टिकल आते हैं पर साउंड इसकी लेंगे जो पास है वेरी लगा दूँ आगे एडवर्ब अब वी की लेगा साउंड ठीक है चलो एंड सडन फिर ये गलत दो रह गए तो कोविड नाइनटीन पैंडमिक का रिजल्ट आया या तो एब्रप्ट चेंज हो गया इन द फ्लो ऑफ कैपिटल इन फ्लोइंग की कोई सेंस नहीं है इन फ्लोइंग इन द फ्लो ज्यादा बढ़िया है एन एब्रप्ट चेंज एब्रप्ट का मतलब एकदम से कोई चेंज हो जा स्लगिश का मतलब धीरे धीरे चेंज हो रहा है फ्लो ऑफ कैपिटल स्लगिश चेंज धीरे धीरे तो अब या तो एब्रप्ट लगाओ ये भी एडजेक्टिव है ये भी पर जो उन्होंने लिख रखा है उसी का सेम टू सेम लिखो उसी का सिनोनिम लिखो स्लगिश स्लगिश होता है धीरे धीरे ग्रेजुअली सेम टू सेम मीनिंग भी तो रखना है ज़्यादा बेटर यही रिप्लेस करेगा आपको सेम टू सेम मीनिंग भी रखवाते हैं वो अब जो क्वेश्चन आपको आर्टिकल देखना है वोवल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड अगर आपको ये साउंड आती है अ उ आई आ ई तो आपका वोवल साउंड ए एन एन लगेगा अ आ उ ई हिंदी के वोवल स्वर होते हैं जो पांच सात अ बड़ा ऊ ई बड़ी ए बड़ा ए बस बाकी सबके साथ ए आ रीड करें क्लाउड सीडिंग क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है बादलों को ऐसे तैयार कर देना कि वो अच्छे बारिश करें कुछ उनके अंदर कुछ फिट कर देना क्लाउड सीडिंग में क्या इन्वॉल्व होता है ठीक है यूज ऑफ केमिकल्स हाँ जो टारगेट करते हैं रेन बेयरिंग क्लाउड्स जो रेन को भरे हुए क्लाउड्स हैं उनको टारगेट किया जाता है अबोव ए कैचमेंट एरिया कैचमेंट एरिया का मतलब है जहां से बारिश होती है नदियों में अबोवाट टारगेट रेन बेरिंग क्लाउड्स अबोवा कैचमेंट एरिया कैचमेंट एरिया कौन सा एरिया कैचमेंट का सच है रिवर और एन लेक बारिश करने के लिए कुछ केमिकल यूज करते हैं टारगेट करता है उन क्लाउड्स को क्लाउड सीडिंग उसे कहते हैं कि वो कहां पे मिलते हैं क्लाउड जो भी कैचमेंट एरिया के ऊपर हो कौन सा एरिया होता है ये वाले एरिया होते हैं देखो आर्टिकल ये तो गए कैचमेंट वोवल साउंड नहीं कॉन्सोनेंट साउंड है ये अब जाओ एन रिवर वो भी गया रिवर कॉन्सोनेंट साउंड बस खत्म वैसे ही ओके स्टूडेंट्स ये थे थ्री फिफ्टी क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी you can recommend this video course to your friends students relatives you can contact me on my channel the selection campus okay your english with rohit marwa m a r w -A h a telegram group se bhi the selection campus thank you